राम राम भाई, देसी ड्राइव की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपने सामने खड़ी है ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, और ये जो इसका डीजल में बेस वेरिएंट है Z2 वेरिएंट, एक्स शोरूम में आपको कॉस्ट करता है 13,55,500 रुपये, और ऑन रोड जो इसका प्राइस है वो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। देखते हैं इस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी हमें क्या क्या चीज़ ऑफर करती है, बेस वेरियंट में इसमें क्या क्या हमें मिलता है। और पहली बार अगर हमारी वीडियो देख रहे हो, पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, जिससे आप कोई भी हमारी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। जल्दी से करते हैं बात। सामने महिंद्रा का लोगो और ग्रिल जो है, आपको महिंद्रा की सिग्नेचर ग्रिल मिलती है, और उसके ऊपर ये देखो पियानो ब्लैक की फिनिश दे रखी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। नीचे हो गया अपना नंबर प्लेट के लिए। और हेडलैम्प्स की बात करें तो इसमें आपको दोनों जो बल्ब हैं वो हेलोजन में मिलने वाले हैं, हाई बीम और लो बीम के लिए। इधर हो गया अपना टर्निंग इंडिकेटर। नीचे आपको इसमें कोई भी फॉग लैंप्स वगैरह नहीं मिलने वाले। बाकी ये है गाड़ी की कुछ सामने से लुक। 1917 mm जो है इसकी विड्थ मिलती है आपको। साइड में चले तो 1857 mm आपको इसकी हाइट मिल जाती है। लेंथ मिल जाती है आपको इसकी 4662 mm की। नीचे चलें तो लगभग 2750 mm का आपको इसमें व्हील बेस मिल जाता है, और 187 mm की अच्छी खासी आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। टायर प्रोफाइल देखें तो अपोलो के आपको इसमें टायर्स मिलने वाले हैं, और टायर सेक्शन जो है 245/65R17 इंच का आपको इसमें टायर्स मिलने वाले हैं। नॉर्मल स्टील रिम्स हैं, लेकिन सिल्वर कलर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फ्रंट व्हील्स में आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलती हैं, और रियर व्हील्स में भी आपको इसमें डिस्क ब्रेक्स ही मिलती हैं, मतलब चारों व्हील्स में जो आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। इसमें बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है जो कि मैट ब्लैक कलर में है, वाइट कलर के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बेस वेरिएंट में आपको जो इसका टर्निंग इंडिकेटर है वो ORVM पे दे रखा है, वरना ज़्यादातर क्या होता है फेंडर पे दे देते हैं। और ORVM भी जो है वो बॉडी कलर्ड आपको मिलते हैं, ए पिलर बॉडी कलर्ड, बी पिलर जो है मैट ब्लैक में है, और पीछे ये बड़े अच्छे से साइज़ का आपको इसमें क्वार्टर ग्लास मिल जाता है। डोर हैंडल जो हैं वो भी आपको जो है बॉडी कलर्ड ही देखने के लिए मिलेंगे। चलते हैं पीछे, तो ये है गाड़ी की कुछ साइड से लुक। रियर प्रोफाइल दिखाते हैं, ये है गाड़ी की रियर प्रोफाइल, इसके बारे में जल्दी से बात करते हैं। पीछे महिंद्रा का लोगो नंबर प्लेट के लिए, और दो मिल जाते हैं आपको इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स लैंप इधर हो गया, और ये हो गया रिफ्लेक्टर। ऊपर देखें टेल लाइट्स की बात करें तो ये जो पूरा पार्ट है ये आपका हेडलैम्प्स वगैरह ऑन होंगे तब जलने वाला है, और ये हो गया टर्निंग इंडिकेटर। बाकी ग्लास पे आपको ना तो कोई वाइपर मिलता है ना ही डिफ होगा। ऊपर हो गया हाई माउंट स्टॉप लैंप, और उससे ऊपर ये शार्क फिन एंटीना। एक बार बूट स्पेस भी हम आपको इसका अभी दिखा देते हैं, और ये कुछ मिलने वाला आपको इसमें बूट स्पेस लगभग 100-150 लीटर का, छोटा मोटा आपका जो बैग वगैरह है, पिट्ठू बैग वगैरह, वो इसमें आ सकता है। इसको करते हैं बंद, और लेफ्ट साइड दे रखा है इसका 57 लीटर का फ्यूल टैंक जो कि डीजल में है। और चलते हैं अब इसकी फ्रंट सीट पे और दिखाते हैं आपको, और ये कुछ है भाई इसकी इंटीरियर की लुक। ड्यूअल टोन में आपको इसका इंटीरियर मिलने वाला है, ब्लैक एंड ब्राउन कलर में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बारे में आगे बात करते हैं, और भाई चाबी दिखा देते हैं आपको इसमें। इसमें आपको सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती, दोनों फ्लिप की हैं, वैसे आप चाहें तो कंपनी से लगवा सकते हैं भाई सेंटर लॉकिंग। और इधर देखें डोर पैनल की बात करें तो ड्यूल टोन में ही आपको इसका डोर पैनल मिलने वाला है। बेस वेरियंट में ही आपको जो चारों पावर विंडोज़ मिल जाती हैं लॉक अनलॉक विंडोज़ को लॉक करने के लिए। ORVM ना तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है ना फोल्डेबल, एडजस्ट भी आपको हाथ से करने पड़ेंगे और फोल्ड भी हाथ से करने पड़ेंगे। बॉटल होल्डर हो गया, मैप पॉकेट हो गई, स्पीकर की प्लेसमेंट हो गई, ये हो गया ग्रैब हैंडल, और पूरा जो डोर पैनल है वो आपको जो है हार्ड प्लास्टिक में देखने के लिए मिलेगा। इधर देखें ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। सीट्स जो आपको फैब्रिक में मिलने वाली है, मटेरियल काफ़ी अच्छा है, थाई सपोर्ट अच्छा मिलने वाला है, और फोर वे मैनुअल एडजस्टेबल सेटिंग के साथ आपको सीट्स मिलती हैं ड्राइवर एंड को ड्राइवर की। इधर देखें मैनुअल वेरिएंट है, एक्सेलेरेटर ब्रेक एंड क्लच डेड पेडल भी इधर दे रखा है। इधर ये हो गया इसके हेडलाइट्स के लेवल को एडजस्ट करने के लिए, और ये इंजन का आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन। ऊपर देखें इधर भी आपको ब्राउन कलर देखने के लिए मिलेगा, एसी वेंट्स हो गए, सराउंडिंग में जो पियानो ब्लैक की फिनिश दे रखी है। चलते हैं इसके अंदर दिखाते हैं पूरी बात, बाकी सीट्स को कर लेते हैं भाई एडजस्ट। स्टेयरिंग की बात करें नॉर्मल आपको स्टेयरिंग मिलने वाला है। इधर हो गए स्टेयरिंग पे अपने इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, बीच में महिंद्रा का लोगो, एयरबैग की बैजिंग। बेस वेरिएंट में इसमें आपको दो एयरबैग, ABS, EVD और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। नीचे से देखें फ्लैट बॉटम आपको स्टेयरिंग मिलने वाला है, इधर भी अपनी ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश, और स्टेयरिंग को देखें एक बार टिल्ट, और केवल टिल्ट ऑप्शन के साथ जो आपको इसका स्टेयरिंग मिलता है। इधर ये हो गए अपने वाइपर के कंट्रोल्स, और ये हेडलाइट्स के कंट्रोल्स।
और एक बार दिखा देते हैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करके। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसके बारे में जल्दी से बात करते हैं। इधर हो गया अपना टैकोमीटर, 7000 तक की इसमें RPM दे रखी है। ये हो गया अपना स्पीडोमीटर जिसमें 220 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड दे रखी है। वार्निंग्स वगैरह, सीट बेल्ट वार्निंग, ब्रेक वार्निंग, डोर अनलॉक की वार्निंग, वो आपको ऊपर देखने के लिए मिलेंगी। बीच में होगी छोटी सी MID जिसमें आप पूरी अपनी ट्रिप वगैरह की डिटेल्स निकाल सकते हैं। और बटन्स जो हैं ये हैं, यहाँ से जो है आप अपनी ट्रिप वगैरह की डिटेल्स निकालेंगे। इधर देखें, बेस मॉडल में ही आपको मिल जाती है इसमें 8 इंच की टच स्क्रीन और 4 स्पीकर। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कापले का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलता, बस ब्लूटूथ और ऑक्स की कनेक्टिविटी के साथ ही आती हैं। AC वेंट्स ये हो गए, डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इधर देखें, सिल्वर ग्लॉस की फिनिश दे रखी है। ये हो गए AC के कंट्रोल्स, बीच में हो गया हज़ार्ड का बटन। इधर देखें तो USB पोर्ट, ऑक्स का पोर्ट और ये जो है एयरबैग ऑन ऑफ करने के बटन। इधर भी कुछ स्पेस है, अपना फ़ोन वगैरह आप रख सकते हो। ये इसका 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और गियर बॉक्स के ऊपर लेदर रैप वगैरह दे रखा है। ऊपर ग्लॉसी फिनिश भी दे रखी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हैंड ब्रेक इधर होगी, क्रोम का एक्सेंट का फोल्डर्स, और ये मिल जाता है इसका आर्मरेस्ट। और आर्मरेस्ट के अंदर भी स्टोरेज भी जो है काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो आर्मरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड है। इधर देखें, ग्लव बॉक्स मिल जाता है आपको डिसेंट से साइज़ का। ऊपर दे रखा IRVM मैनुअली एडजस्टेड डे एंड नाइट के लिए। ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलता, सनवाइजर का जो मटेरियल है वो आपको अच्छा मिल जाता है। को ड्राइवर साइड देखें तो वैनिटी मिरर आपको इधर भी नहीं मिलता, एयरबैग की बैजिंग दे रखी है। और ये भाई डैशबोर्ड की लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बेस मॉडल के हिसाब से जो है बहुत शानदार लग रहा है। और जिस हाइट पर मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे भाई साहब ये समझ लो छोटी मोटी गाड़ियों को मैं कुछ समझने वाला नहीं हूँ इधर। तो फ्रंट की भाई लगभग बात हो चुकी है, कोई चीज़ मिस हो गई हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, उधर अपन जवाब दे देंगे। सीधे चलते हैं इसकी सेकंड रो में। इधर देखें, डोर्स जो हैं वो भी काफ़ी वाइड ओपन हो जाते हैं। पूरा ड्यूअल टोन में आपको ये पैनल मिलने वाला है। इधर अपना ब्राउन कलर हो गया, सॉफ्ट टच कहीं भी नहीं है। बॉटल होल्डर इधर हो गया, स्पीकर की प्लेसमेंट हो गई, ग्रैब हैंडल हो गया, पावर विंडो का बटन, और डोर हैंडल जो है वो आपको मैट ब्लैक में दे रखा है। चलते हैं इसके अंदर। और इधर देखें तो इधर भी आपको दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं एडजस्टेबल, और बीच में एक छोटा सा हेडरेस्ट भी दे रखा है, मतलब तीनों बंदों के लिए, लेकिन जो बीच वाला है वो एडजस्टेबल नहीं है। और आर्मरेस्ट देखें तो हाँ, बीच में आपको जो है आर्मरेस्ट भी दे रखा है, और कप होल्डर्स भी हैं इसमें, अभी जो पन्नी वगैरह चढ़ी हुई है। और बैठ के दिखाते हैं एक बार, तो भाई सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। नी रूम आपको अच्छा खासा मिलने वाला है, लेग रूम अच्छा है। इधर बेस मॉडल में आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। इधर मिल जाता है एक सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट, ये भी अच्छा है भाई। और डैशबोर्ड की लुक ये है, ऊपर ये मिल जाती है आपको LED में इसका रीडिंग लैंप्स। फ्रंट और सेकेंड रो के लिए यही काम करने वाला है। ग्रैब हैंडल्स हो गए, एक को ड्राइवर, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, फोल्डेबल नहीं है, फिक्स्ड है। बाकी ओवरऑल बात करें, गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है यार बेस मॉडल के हिसाब से। डैशबोर्ड की लुक कुछ ये है, मुझे डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा भाई, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सीधे चलते हैं अब इसकी थर्ड रो में। और इसकी जो सेकंड रो की सीट्स हैं उनका आप रिक्लाइन एंगल भी सेट कर सकते हो, लेवर ये रहा। और थर्ड रो में जो अपन उधर से चलते हैं, इसको करते हैं बंद। थर्ड रो में जाने के लिए बस वन टच एंड सीट पूरी फोल्ड हो जाती है। चलते हैं भाई इसके अंदर और पूरा आपको सीटिंग दिखाते हैं, किस तरह की सीटिंग मिलने वाली है इसमें आपको। तो भाई मैं आ चुका हूं अब स्कॉर्पियो N की थर्ड रो में। स्पेस की अगर मैं बात करूं तो भाई थाई सपोर्ट आपको अच्छा नहीं मिलने वाला। सीट्स जो हैं ये बच्चों के लिए काफ़ी सही हैं, लेकिन बड़ों के लिए ये ठीक नहीं है। हाँ, नी रूम आपको मिल जाता है, लेग रूम भी चलो ठीक ठाक है, लेकिन अगर थाई सपोर्ट अच्छा होता तो बैठने में और ज़्यादा मज़ा आता। इधर देखें, ग्रैब हैंडल मिल जाता है, एक ग्रैब हैंडल उधर हो गया, और रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं आपको LED में ही। फ्रंट में भी है एक, और एक इधर दे रखा है। और थर्ड रो में भी जो है आपको दो हेडरेस मिल जाते हैं, दोनों के दोनों एडजस्टेबल हैं। और सीट बेल्ट भी आपको मिल जाती हैं थर्ड रो में, ये भी काफ़ी अच्छा है, सेफ्टी को जो है ध्यान में रखा गया है पूरा। बाकी AC वेंट्स अगर मैं देखूं तो इधर AC वेंट्स आपको नहीं मिलने वाले, लेकिन जो ये क्वार्टर ग्लास है ये काफ़ी अच्छे साइज़ का है, जिससे आपको अंदर सफोकेशन वगैरह फील नहीं होगी।
चलते हैं भाई इसके बाहर और लीवर से आराम से जो है निकला जा सकता है इससे बाहर। वैसे भाई गाड़ी जो है काफ़ी ऊंची है, फॉर्च्यूनर के टक्कर पे है और बेस मॉडल में आपको फीचर्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। सीधे चलते हैं, अब दिखाते हैं आपको इसका इंजन कंपार्टमेंट और ऊपर देखें इसमें आपको रूफ रेल्स वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली, सीधे सिंपल मिलेगी। मॉडिफिकेशन जो आप बाहर से करवा सकते हो। तो दिखाते हैं इसका इंजन कंपार्टमेंट, खोलना भूल गए अपन। यहाँ से किया इसका बोनेट ओपन, और भाई ये इसका इंजन, ऊपर देखें इंसुलेशन पैड मिल जाता है, नीचे इंजन गार्ड भी दे रखा है और बोनेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, एक हाथ से उठाने में भाई महसूस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा हैवी है। और इंजन की अगर मैं बात करूं, इसमें आपको मिलता है 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर एम हॉक डीजल इंजन जो जनरेट करता है 130 bhp की पावर और 300 nm का टॉर्क, और माइलेज आपको लगभग भाई 11-12 किलोमीटर पर लीटर का निकाल के देने वाली है। इसको करते हैं बंद क्योंकि बोनेट यार काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो भाई ये था हमारा रिव्यू 2023 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z2 डीजल वेरिएंट का। एक शोरूम में आपको कॉस्ट करता है 13,55,000 रुपये और फरीदाबाद NCR के अंदर आपको ये पड़ जाएगी ऑन रोड लगभग 15,60,000 रुपये के आसपास। इसी के साथ वीडियो को करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं भाई आपको ये गाड़ी कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें जिससे आप कोई भी हमारी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं। अभी के लिए बाय बाय भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।